नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपिल देव, बाड़मेर इंग्लिश लेक्चरर, और आज हम बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे के बारे में, जिसकी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में समस्त समाज को, हमारे विद्यालय को, हमारे बच्चों को इसकी बहुत ज़रूरत है। दोस्तों, आज की जो हमारी मुहिम छेड़ी गई है बाड़मेर के युवाओं के द्वारा, वो मुहिम है खुल के बोलो। और खुल के बोलो मुहिम एक अपने आप में ऐसी जंग है, जिस जंग के अंदर हम लोग ये कह सकते हैं स्टॉप चाइल्ड अब्यूज। प्यारे दोस्तों, आपने कई बार देखा होगा कि हमारे बच्चे कई बार हमें असहज से महसूस होते नजर आते हैं। क्या कभी हमने इनके बारे में जानने की कोशिश की? शायद नहीं की। हम लोग अपनी दिनचर्या में इन बच्चों के परवरिश के बारे में इतना भी भूल जाते हैं कई बार कि हम लोग इनके मन की बात को नहीं जान पाते। प्यारे दोस्तों, मेरा एक मैसेज था और वो मैसेज यही था कि हमारे विद्यालयों में, हमारे ट्यूशन सेंटर्स में जितने भी हमारे बच्चे अध्ययनरत हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, उन बच्चों में कभी न कभी, कहीं न कहीं संकीर्ण मानसिकता वाले लोगों का बैड टच, या अपन कह सकते हैं बुरा जो स्पर्श है, उन्होंने कभी न कभी महसूस किया होगा। हो सकता है वो बच्चे संकोचवश हमें अपनी बात को नहीं कह पाते हैं, और हमें आज इसी बात को आपको दिखाना है कि हम आखिर किस दिनचर्या में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। क्योंकि प्यारे दोस्तों, हमने नोटिस किया इस चीज़ को, कई बच्चे इस अपने बैड टच की वजह से, असहजता के कारण अपने पढ़ाई में ध्यान नहीं लगा पाते हैं, और साथ साथ में कई बार हम ये भी देखते हैं कि उन बच्चों में मानसिक तौर पर पिछड़ापन आ जाता है। वी शुड टेल फ्रेंड्स, आज हम सबको ये बताने जा रहा है कि आखिर हमारे इस मुहिम के अंदर हमारे थार के वासी, हमारे बाड़मेर के वासी, हमारे सारे बाड़मेर के युवा किस तरह से इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं, इस जंग में लगे हुए हैं कि हम सभी समय रहते अपने बच्चों के मन की बात को जाने और अपने बच्चों को बैड टच और गुड टच का अंतर समझाएं। जो आजकल का दौर चल रहा है दोस्तों, उस दौर में हमें भी पूर्ण रूप से अपने बच्चों को उनकी परवरिश की तरफ ध्यान देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये विश्व टेलीफिल्म्स की तरफ से ही हम सभी को एक अच्छा सा मैसेज है, कि अच्छा सा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि हमें समय रहते ये हमें जागृत करने के लिए इनकी जो टीम है वो हमें पूरा भरसक प्रयास कर रही है। आगामी 24 अक्टूबर 2019 को इसी तर्ज पर जो हमने मुहिम छेड़ी है दोस्तों, उसी मुहिम की एक टेलीफिल्म आपके सामने रिलीज होने जा रही है। याद रखिएगा, आगामी 24 अक्टूबर 2019 को हमारा सबका ये प्रयास रहना चाहिए कि हम इस मुहिम को आगे तक ले जाएं, हमारी बात राज्य सरकार, केंद्र सरकार तक पहुंचे, और विद्यालय में होने वाले सारे जो हम चीज़ देख रहे हैं, जो अक्सर नोटिस में आ रही है, समाज के उन संकीर्ण विचारधारा वाले लोगों को हम एक कड़ा संदेश दें, क्योंकि हमारे बच्चे हमारे लिए अनमोल है दोस्तों। धन्यवाद।